दोस्तों, आपको हमारा YouTube का नॉलेज इन्फॉर्मेशन चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिव्यू मिल सकें और हम अपने किसी भी चीज़ को, आपने अगर कोई कमेंट्स किया है तो उसका मैं उत्तर दे सकूँ आपको और अपने कोई इम्प्लीमेंट कर सकूँ, ताकि आपको आगे से आगे मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी डालूँ वो अच्छे से अच्छा बने और आप हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो के इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नए टॉपिक पे बात करता हूँ, जिसमें कि हमारा आज का टॉपिक है सारा के जो हमारे मेन मुखिया हैं, सुब्रत है सारा। तो आज मैं इसी के टॉपिक पे बात करता हूँ। तो जो हमारे संस्थापक हैं सारा इंडिया परिवार के, तो इनका जो जन्म हुआ था 10 जून 1948 में हुआ था और इनका जो आवास हमारा है वो लखनऊ का है। इसके अलावा इन्होंने, सुब्रत राय सारा ने 10 जून 1948 भारत में जन्म लिया था और एक व्यवसायी थे तथा सारा इंडिया परिवार के हमारे संस्थापक, प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष भी हैं। वे सारा श्री के नाम से भी जाने जाते हैं। इंडिया टुडे ने इनका जो नाम है भारत के 10 सर्वाधिक शक्ति संबंध लोगों में शामिल किया था। इन्होंने सन 1978 में सारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। सन 2004 में टाइम पत्रिका ने सारा समूह को भारतीय रेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता बताया था। वे पुणे वारिंटर इंडिया, ग्रॉस वेलर हाउस, एमबी वैली सिटी, प्लाजा होटल्स, ड्रीम टाउन होटल्स के मालिक हैं और सारा से बंगाली पटवाई से भी संबंध रखते हैं। तो आज के डेट में जो हमारा सारा है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर रूट हो चुका है, जो कि सन 1978 से जो स्टार्ट हुआ था, तो इन्होंने अपने केवल 2 लोगों को साथ मिलकर इस ग्रुप की स्थापना की थी और तब इन्होंने केवल ये एक छोटे से रूम में 3 लोगों के सानिध्य में और एक इनके पास जो मात्र जो इनके पास कह सकते हैं कि जो पैसा था उसके नाम पे इनके पास एक स्कूटर था, जिससे इन्होंने अपना इस काम को आगे बढ़ाया। और आज देखते देखते 1978 से आज हमारा जो समूह है करीब 43 इयर्स का क्रॉस हो चुका है। आज इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स में इनकी हिस्सेदारी है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे मीडिया मास में हो, चाहे वो रियल इस्टेट्स में हो, हॉस्पिटल में हो, या आपके आईटी सेक्टर्स में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें इनका सारा कुछ आज हमारे सामने देखने को मिलता है। अभी कुछ सेक्टर के लिए इन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, जैसे कि पैरा बैंकिंग सेक्टर में, तो अभी इनको लाइसेंस वो चीज़ नहीं मिल पाई है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि इनको ये भी लाइसेंस मिलता है तो ये बैंकिंग के सेक्टर में भी कदम हमारी सारा श्री रख सकते हैं। तो सारा श्री आज हमारे के नाम के मोहताज नहीं है। आज हम केवल सारा के नाम से अगर लोगों को जानते तो आदमी सब जानता है कि सारा का जो हमारे मेन मुखिया हैं उनका नाम क्या है। अगर हम इनके नाम की बात करें तो सुब्रत राय सारा जी आज हमारे इनका नाम है और ये वर्किंग आज भी अपनी कर रहे हैं। किसी कारणों से कुछ सेक्टर में इनकी प्रॉब्लम आई है और बाकी सेक्टर अच्छी तरीके से बूम पे चल रहे हैं, तो इन्होंने अपने छोटे से कैरियर से जो स्टार्ट किया था, आज हमारा इसका अगर टर्नओवर बोले तो 500 करोड़ के ऊपर का है टर्नओवर हो चुका है। और इसमें अगर हम अपने नियोक्ता की बात करें या कर्मचारियों की बात करें तो करीब करीब 10,000 प्लस कर्मचारी हैं और अगर हम अपने फील्ड कार्यकर्ताओं की बात करें तो ये लाखों की संख्या में हर सिटी से हमारे वर्किंग कार्यकर्ता कर रहे हैं और आज भी हमारे पास जो भी ऑफिस हैं हर सिटी में वो सारे रन कर रहे हैं और उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसा वो पहले करते थे। लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण अभी भी इन्वेस्टर्स का पैसा हमारे कुछ स्कीमों पे रुका हुआ है और उनको वो नहीं मिल पा रहा है। तो जिस समय भी ये हमारा कोर्ट में, चूँकि केस चल रहा है सारा सेवी का, जिस समय भी हमारा ये वहाँ पे सेटलमेंट होता है तो लोगों को उनका पैसा मैं ब्याज के वापस मिलेगा। तो दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सारा के ही टॉपिक पे एक बार फिर से चर्चा करता हूँ।
इसमें आज मैं बताता हूँ कि जैसे कि इनका एक सेक्टर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर हम बात करें तो सारा ने करीब अगर हम बात करें तो 2007 में सारा ने बहुत सारी लैंड भी परचेज की थी, और जिसमें ये बोला गया था कि इस लैंड पे हम आपको पूरा कंस्ट्रक्शन करके आपको अपॉइंटमेंट के थ्रू आपको दूंगा। और वो कहीं कहीं पे तो किसी किसी सिटी में तो आज इनके कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, तैयार खड़े हैं, लेकिन पोजीशन नहीं मिल पाया है। कहीं कहीं आधा इंफ्रास्ट्रक्चर रुका हुआ है और कहीं कहीं पे इनके अभी तक कोई भी चीज़ें पूरी नहीं हो पाई हैं। तो कंस्ट्रक्शन के विषय में अगर देखा जाए तो इस समय उस पोजीशन पे नहीं है सारा कि इनका कंस्ट्रक्शन आगे हो पाए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जिस पेमेंट के थ्रू या जिस मतलब ये स्क्वायर फिट के हिसाब से या वर्क फिट के हिसाब से इन्होंने जो भी चीज़ें ली थी, तो आज के रेट में उसका इंक्रीमेंट इतना हो गया कि अब वो पीछे हट रहे हैं उस चीज़ को बनाने में। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अगर हम बात करें तो आज की डेट में वो चीज़ नहीं आ पा रही है जो चीज़ पहले थी। आज हमारा जो भी पेमेंट दिया गया था तो वह वो भी आप आज की डेट में सारा में पेमेंट रुका हुआ है और किसी को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, और किसी को भी पोजीशन या कंस्ट्रक्शन के विषय में पूरी जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। लेकिन अगर लेटेस्ट बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काफ़ी मतलब इन्होंने अपना काम किया हुआ है और कहीं बड़े बड़े शहरों में भी इनका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी को पोजीशन नहीं मिल पाया है। दूसरा सेक्टर की अगर हम बात करें तो मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन का सेक्टर है, जहाँ पे आप लोग जनरली आप लोग देखते हैं कि सारा के बहुत सारे चैनल्स आते हैं, सारा की न्यूज़ आती है सारा का। चलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक बार फिर से रूबरू हो रहा हूँ। आज मैं आपका एक टॉपिक नया लेके आ रहा हूँ सारा इंडिया परिवार का। आज आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर सारा के बहुत ज़्यादा किस्से चल रहे हैं। हमारी ये कंपनी, अगर हम सबसे पहले इस पर बात करते हैं कंपनी की शुरुआत कब हुई, तो कंपनी की शुरुआत 1978 में गोरखपुर से हुई, जिसमें केवल 3 लोग थे और इसके फाउंडर हमारे थे सुब्रत सारा जी थे। उनकी ये कंपनी धीमे धीमे स्टेबलाइज होते होते इतनी बड़ी कंपनी बन गई और इसके इतने सेक्टर्स आ गए यहाँ पे, जो कि आज भी सारा इंडिया का नाम किसी की जुबान पे अधूरा नहीं है। अगर हम किसी से भी बात करते हैं तो हमें ये मालूम चलता है कि सारा एक बहुत पुरानी कंपनी है। आज हमारे पास करीब करीब सारा इंडिया के 43 साल हो चुके हैं, लेकिन किसी कारणों की वजह से आज हमारी ये विवादित चीज़ हो गई है सारा और सेबी। सारा और सेबी के किस्से आजकल प्रत्येक दिन आप लोग देख रहे होंगे कि पेपर में भी आ रहे हैं, न्यूज़ में भी चल रहा है। उसका